सर, हरा भरा राजस्थान के प्रति कटिबद्ध राजस्थान सरकार की तरफ से दो पार्क बन रहे हैं, ठीक है, आज आपने निरीक्षण किया, कैसा लग रहा और कितना अच्छा काम हो रहा है? अभी शुरुआती स्टेज में है ये जो पार्क आप देख रहे हो, अर्बन पार्क, लोगों के घूमने काम पूरे भाग को बढ़ेंगे, पौधे लगेंगे, सुबह लोग घूमने के लिए आएंगे। वो जो अभी देखा है वो अभी साल भर हुआ है, 5-7 साल के बाद अब देखोगे बहुत बढ़िया पार्क लोगों को देखने लोग आएंगे। और जो आप सनसेट पॉइंट आपने अभी देखा, एक मतलब हरा भरा होने के बाद उसको बढ़िया तरीके से आप देख। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत वो काम हुआ है, स्मृति उद्यान, कपूरचंद कुलिश स्मृति उद्यान के बाद राजस्थान का दूसरा उद्यान है। अभी स्थिति यह है कि 2 साल बाद बजट की थोड़ी कमी है, तो आपकी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे, जहाँ जहाँ पैसों की जरूरत होगी वहाँ देते रहेंगे ताकि काम आगे बढ़े। और आज आपका क्या क्या रहेगा? तो हम आज मीटिंग लेंगे, पूरे जिले का जायजा लेंगे, कहाँ हमारी लैंड है, उसमें क्या वन्य जीव प्राणी कितने हैं, कहाँ क्या काम करना है, पूरी जानकारी। अर्बन पार्क में अभी आप हैं, माननीय जो यहाँ के जो MLA साहब हैं उनकी तरफ से क्या दिया गया, सुझाव दिया गया? इसमें मतलब ये पार्क बीच में आया हुआ है, जो फॉरेस्ट लैंड है, आधा शहर इधर रह गया, कुछ भाग इधर रह गया, तो इनकी मांग ये है कि मतलब गेट इसके बीच में खोला जाए ताकि लोग आने जाना सुगम हो। जहाँ हमने कह दिया कि MLA साहब जहाँ चाहे जनप्रतिनिधि उनके गेट खोले। थैंक यू सर।